स्टार्ट। महोदय, बोर्ड को अपने अब तक के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखने पड़े हैं और मैं यह नहीं कह सकती कि उसने जो काम हाथ में लिए हैं उन सब में वह सभी समय और समान रूप से सफल रहा है। हाँ, मैं यह अवश्य कह सकती हूँ कि इसकी स्थापना के बाद से जहाँ समाज कल्याण का काम और कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ गया है, वहीं स्वयंसेवी संगठनों के इस दिशा में प्रयास में शिथिलता आई है और लोगों में केंद्रीय सहायता के बिना भी काम उत्साहपूर्वक करते रहने की भावना में कमी देखने को मिलती है। इससे पूर्व स्वैच्छिक कार्य का मतलब यह होता था कि आप किसी काम की जिम्मेवारी अकेले ही उठाएं और जिन लोगों को अपने साथ ले सकते हो लेकर काम में जुट जाएं। लेकिन अब कोई भी काम शुरू करने से पूर्व पहला प्रश्न यह होता है कि हमें सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी, कितनी भूमि, आवासीय सुविधा या अन्य सहायता उपलब्ध होगी। यह दुखद स्थिति है क्योंकि यद्यपि मेरा यह विश्वास है कि सरकार को नए या चालू कार्यक्रमों के लिए सहायता देनी चाहिए, फिर भी यह बड़े दुख की बात होगी कि सरकार के साधनों पर जो पहले ही से सीमित और अल्प है निर्भर रहा जाए तथा स्वावलंबन की आदत को छोड़ दिया जाए। भारत में अधिकांश लोग भी अधिकार वंचित हैं, इसलिए अगर आप ऐसे लोगों में एक छोटे से ग्रुप को चुन लेते हैं तो आप अधिक गहराई से कुछ नहीं कर पाएंगे तथा इसमें आम स्तर में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए बाल कल्याण के क्षेत्र में अगर औसत बालक को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती तो विकलांग बच्चों की समस्या हल नहीं की जा सकती। इसके विपरीत शायद उनकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। यही बात महिलाओं के संबंध में काम पर लागू होती है। अब मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि यद्यपि श्रीमती वर्दप्पन कृपापूर्वक मुझे सभी रिपोर्टें भेजती रहती हैं और मेरे संपर्क में रहने की कोशिश करती हैं, फिर भी मैं यह वास्तव में नहीं कह सकती कि मुझे बोर्ड के सभी कामों की पूरी जानकारी है। लेकिन यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बोर्ड को जितना पैसा दिया गया था वह सभी काम में लग गया है और आशा है कि उसका सही उपयोग किया जा रहा है।